वेलकम टू आवर चैनल LOL। आज सुबह से मैंने वीडियो नहीं बनाया क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि आज मैं बताने वाली हूँ कि शादी आपको तो पता ही है अडामो में हुई थी गोवा, पर कहाँ कहाँ कौन सी रस्में हुई थी वो आज हम बताएंगे। हम लोगों ने शादी की थी उस पर मेरे को लगता है कि ऐसा लगता है कि हमारा ही होगा। सो मैं आपको बता दूं, हमने खाना तो खा लिया लेकिन हमारे गले से बहुत मुश्किल से निकला है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम गोले के बिना आए हैं और गोला ऊपर है, बट हमने फटाफट खाना खा लिया, मेरे तो कांटे भी चुभ गए मच्छी के। यहाँ पे ना वैसे तो आए हम थोड़ा ऐसा करने, बट ये लड़ाइयाँ ही हुई जा रही है, गर्मी बहुत है ना, हाथ हटा यहाँ से, गर्मी कितनी है। तो तू टोपी हटा के, घर में कम से कम पप्पियाँ तो देता ही है। गर्मियों में नो पप्पी। गोवा आके क्या करो, रशियन को बीबी को पप्पी करना उतना ही जरूरी है जितना बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक करना। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यहाँ शादी करने का एक ही फायदा है, शादी गोला होता है नहीं, शादी टिकती है। ये एक बहुत बैड जोक था, बस हवा निकल गई। अगर आप अडामो में शादी करेंगे तो आपको गोले जैसा एक बच्चा मिलेगा ना। शर्त बस इतनी है कि शादी भी किसी गोली से ही करनी होगी जैसे मैंने। सो मैं अभी ऊपर जा रही हूँ, बहुत गर्मी है, अब मैं थोड़ा सा रेस्ट करके वापस आऊँगी, थोड़ी धूप कम हो, फिर मैं बताती हूँ कहाँ हल्दी, कहाँ मेहंदी और कहाँ कॉकटेल हुई है ना। हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज हम आपको ना पूरा अडामो दिखाएंगे कि हमारी कौन सी शादी की रस्म कहाँ पर हुई, ये हम दोनों ने फैसला किया था। लेकिन फैसला करने के दौरान हर्ष था मेरे साथ, अभी है ही नहीं, दूर दूर तक नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। वादे कर लेता, ये वादा कभी नहीं निभाता ये शख्स, इसीलिए मुझे गुस्सा आता है इसकी बात पे। बच्चन साहब से और प्राण साहब से इन्होंने रुमाल मांगे और पूरी डेकोरेशन कर दी है, देखो। मैं आपको एक बात बता दूं कि घर पे तो ये वाली बोलने से पहले मेरे को बता दिया कि तू वीडियो शुरू कर दे। ओह माय गॉड, क्यों, तू तो ब्लॉगर थी ना। तो मैं बता दूं दोस्तों, ये जो लड़की है जो घर पे तो मेरा जूड़ा बिंदी गंदी 150 साल पुरानी टी शर्ट, 250 साल पुराना पजामा, वही पजामा, सेम टू सेम पजामा जो 5 साल से मैंने सेम बीवी और सेम पजामा देखा है, वो वाली चीज़ें ये घर में। लेकिन यहाँ पे आते ही ये पूरी स्टाइलिश पूरी वो बन चुकी है गोवा की सीजी। तो बता क्यों ऐसा, लुक दिखा मेरा पहले लुक। हाँ गोवा आकर आपने स्ट्रैप्स वाले ड्रेसेस नहीं पहने तो क्या मैं ससुर जी के सामने पहनूं दिनेश स्लिम वाचिया, ऐसा नहीं। मेरे ससुर जी भी बहुत फ्रैंक हैं, उनका भी कुछ नहीं कहा, ये ज़्यादा बोलता है उनका बेटा। मेरे सास ससुर तो बहुत ज़्यादा चिल है, वो भी हंस रही है, देख ले सारे सारे स्टाफ के सामने मेरी बेइज्जती कर रहा है वो भी। चली गई चली गई चली गई, ज़्यादा हंसने लग गई, शीशे पे देख के ज़्यादा हंसने लग गई। छी हंसते उसने नाक में हाथ डाल दिया। किसी लड़की की बुराई कर दो ना तो फिर वो ये नाराज ही हो जाता है, ऐसा लगता है कि वो इसकी बीवी मैं इसकी बहन हूँ। लेकिन गाइस लड़की हंस रही थी और उसने हंसते हंसते पता क्या किया, कर दी। तो ये कर, ये तो गंदी बात होती है ना, ब्लॉग में आ रहे हो चाहे तो जो भी है, खूबसूरती तो इसे ही कहते हैं। अच्छा? सीरियसली इसे ही कहते हैं खूबसूरती, ये मैं अभी कर नहीं सकती थी। इसे 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 ये हमारे दोस्त हैं, 5-6 साल से हम लोग इन्हीं से बाइक वाइक लेते रहते, गोवा में आओ तो इन्हीं से बाइक लेना। ये हमारे बेस्ट फ्रेंड है कहने को, लेकिन इन्होंने आज तक हमें कभी डिस्काउंट नहीं किया। हर्ष ने इतने गंदे रंग का इनसे स्कूटर मांगा ना भाई, पीला रंग का कोई है, पीले रंग का स्कूटर पे कौन जाता अपनी बीवी को लेके। तो अगर पीला रंग इतना खराब है तो ये पीले रंग का बैग लेके क्यों घूम रही हो। देखा देखा, सही है सही है, सही बोला कि नहीं, सही बात बोला। बीवी को मोटर जवाब देता, मैं बॉम्बे से निकाल रही हूँ, ये गोवा में शिफ्ट होगा और इधर स्कूटर भाड़े पे देगा ये। बताती हूँ कि इस वक्त हमें अडामो के बाहर और यहाँ पे हमारी शादी हुई थी आज से 5 साल पहले। 5 साल पहले मैं यही हुआ था। तो दिखाओ हर्ष, ये वो जगह जहाँ पर हमारी शादी हुई थी। सो गेट तो आपने देख ही लिया, ये जगह पूरी सजी हुई थी, यहाँ पे ढोल ढाल बज रहे थे, लोग टीका लगा रहे थे। और स्टार्टिंग में बता देती, जिस घोड़ी पे हर्ष आया था वो किसी काम की नहीं रही। ये देखिए
मैं बता देता हूँ, शर्मिंदी है घोड़ी की, किसको बिठाया था? मैं बताता हूँ, ये घोड़ी बड़ी थी लेकिन दूल्हे के बाद जैसे दुल्हन बैठी तो घोड़ी का साइज ये हो गया। वो क्या कर रही है भारती, गिर जाएगी यार, क्या कर रही है? अगर टूट गया ये, अगर टूटा ये, भारती गिर जाएगी यार, क्या कर रही है? सो गाइस, इस पे हर्ष बैठा था, अब मैं बैठी हूँ। वैसे दिख तो रही नहीं होगी नीचे से, हो गई हो गई। ये वेलकम वाली जगह थी जहाँ पे सबका वेलकम हो रहा था। पे हम लोगों ने पूरा ऐसा सजावट थी, यहाँ पे हमारी मेहंदी हुई थी, लड़का लड़का यहाँ पे थी हमारी मेहंदी। आइए मैं बताती हूँ कि पूल पार्टी पे क्या हुआ था। यहाँ पे थी हमारी पूल पार्टी। हमने गलती कर ली थी, हमने अपनी शादी पे 8 रशियन डांसर बुलाई थी। उनके बारे में मैं बताता हूँ, क्या डांस किया उन लोगों ने, मेरी शादी यादगार बना दी उन लोगों ने। थैंक यू सो मच रोजी, सूजी, मेलिसा, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ थी। मैं बताती हूँ कि ये जो जगह थी ना, यहाँ पे ऋत्विक ने मुझे इतना जोर लगा दिया घसीट के पानी में फेंकने के लिए, लेकिन मैं गिरी नहीं, मैं फिर हर्ष के साथ ही गिरी, है ना? और गाइस, एक बहुत बड़ा सच है जो किसी को नहीं पता, मैंने ना ताओ ताओ में, मुझे लगा मैं ब्राइड हूँ, और मैंने ना बिना देखे छलांग लगा दी पानी में, और मैं खुद 5 फुट की हूँ, मैंने छलांग लगाई 6 फुट में, तो मेरे पैर ना नीचे लगे, मेरी हालत खराब होगी। मैं कहा शादी कल है, लगता दुल्हन बेहोश हो जाएगी। तो मैं तो लंबा हूँ तो मेरा तो कोई टेंशन नहीं था, लेकिन ये जो गुटकी है कौन हंस के गया गुटकी पे? ये था हमारा पूल पार्टी का स्टेज। मेन चीज की बारी है, ये वाला जो है ना जगह, ये मुझे बिल्कुल नहीं भूलती, क्योंकि यहाँ पर मोस्टली सारी रस्में हुई हैं, जैसे कि हल्दी। हल्दी यार, हल्दी मुझे ना सोच के अभी भी ऐसा होता है, गूज़बम्प आ गए। देखो मेरी पूरी फैमिली रो रही थी, और हर्ष मुझे चुप करवा रहा था। होता ना एक लड़का जिसको सुंदर हॉट लड़की मिल जाती है, अपनी बीवी के साथ साथ ही रहता है। कॉकटेल पार्टी यहाँ पे हुई थी, इतनी अच्छी पार्टी, और मुझे पार्टी कम कोई अवार्ड फंक्शन ज़्यादा लग रहा था। कृष्णा, मनीष, राखी, नेहा कक्कड़ और भी बहुत सारे लोग थे, सब लोग यहाँ पे नाच रहे थे। और स्पेशल थैंक्स टू नेहा कक्कड़, जिसने इतनी प्यारी है यार, वो हम भारती ने बोला था कि मेरी जब एंगेजमेंट की ऐसे रिंग एक्सचेंज करेंगे हम, तो अब आप प्लीज आना और मिले हो हम तुमको बड़े नसीबों से। वो गाना गा कर मिले हो हम, अरे भाई मैं इसीलिए गा रहा हूँ, ये राइट्स नहीं है ना, राइट्स नहीं है। अच्छा, और ये बता रहा हूँ, ये सारा तामझाम हमने किस चीज़ के लिए किया था, वो चीज़ मैं लेकर आता हूँ। So, ये सारा जो तामझाम हमने किया, पैसा लगाया है, इसके लिए किया, ताकि ये हो। तो चलाक बच्चा सो रहा था और सडनली, मत कर यार, हमारी आदत है पूरी फैमिली की, हम किसी की वो बवासी पूरी नहीं लेने देते। ये हर्ष ने कहा, जब मैं घर में कभी सीरियस बैठी हूँ मैं करूँ ना ऐसे, तो ये बेटे ने कर दिया, वरना हर्ष करता है। So, अब हम जा रहे हैं अपनी शादी वाली जगह पे, जहाँ पे हमारी शादी यानी कि 7 फेरे हुए थे, और अडामो में हमारी हल्दी मेहंदी कॉकटेल हुआ था। और गाइस, शादी के लिए परफेक्ट जगह है अडामो ब्लूज, और अगर किसी को शादी के लिए चाहिए तो ये वाले व्लॉग में हम अडामो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप बात कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप ये बोलेंगे कि हम भारती और हर्ष का व्लॉग देख के वहाँ पे क्लिक करके आए हैं, तो शायद आपको अच्छा डिस्काउंट भी मिल जाए। नायक सर, डिस्काउंट दोगे कि नहीं? बिल्कुल। ये ना हो कि अभी बोल दो और बाद में दो ना। बस जा रहे हैं, मजा ले इसमें। दीदी एक बार भी मुस्कुराई हो या हंसी हो, इतनी खुशी वाली बात है। ये नहीं, मतलब इसको अलग ही एटीट्यूड है कि भारती सिंह के घर काम करती है, अलग इसका एटीट्यूड अलग है। तो दोस्तों, ये वो लेन थी जहाँ पे मैंने घोड़े की जगह एक विंटेज गाड़ी बुलवाई थी, क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी शादी है, घोड़े का क्या कसूर है, वो क्यों सहे बेचारा। तो ये पूरी गली खचा खच भरी हुई थी जब बारात की आवाज आई थी ना। हाँ, तो मुझे सबने बोला था बारात देख लो, बारात देख लो, मैं तैयार ही नहीं हुई थी, तो गुस्सा ही आ गया। मैं देखनी, वही तो है लड़का जो आ रहा है शादी करने, वही हर्ष। देखा
अरे देख देख अच्छा होता है। फिर मैंने देखा और हर्ष गाड़ी पे बैठ के दूल्हा नाच रहा था। इसमें से भारती ने देखा था और मुझे देख के उसने इशारे किए थे गंदे गंदे। अपनी बीवी को कौन बोलता है यार ऐसे, कौन बोलता अपनी बीवी को गंदे गंदे इशारे? क्या किया मैंने, ऐसा किया कुछ? तो हम आ चुके हैं, यहाँ पे हुई थी मेरी शादी। तो आज सारी पुरानी यादें मुझे वापस आ रही हैं, क्योंकि बहुत ही बहुत 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 मैं तो इमोशनल हो रही यार। यहाँ पे शादी हुई थी, यहाँ पे मेरी विदाई हुई थी, गाड़ी यहाँ पर आई थी और सच में यार बहुत मज़ा आया। आगे जाके दिखाती हूँ, वो सब चीज़ें वैसी हैं अभी भी। सो ये सारी जगहें सजी हुई थी, सारी जगहें सजी हुई थी, यहाँ हमारे फ़ोटो लगे थे। सो इतना अच्छा माहौल था और वहाँ पे हमारा मंडप, और आज हमारा बेटा इस जगह पे है। बहुत अच्छा लग रहा है, आज हमारा बेटा इस जगह पे है हर्ष, जहाँ पे हमारी शादी हुई थी। तो हम आ गए हैं अडामो में, और जैसे कि मैं जाते वक्त वादा करके गई थी कि आज डिनर मैं बनाऊंगी, मतलब डिनर इतना ज्यादा नहीं, अब मैं थोड़ी हिल गई हूँ। हर्ष हमारी शादी हुई थी यहाँ पे। बार बार बोल के क्यों मुझे एंजाइटी दे रही है तू? Oh no. ये देखो गाइस, गाइस मैं एक बात बताऊं, मेरे को ये चीज से बहुत नफरत है। कैसे हुआ कैसे, मतलब ये ऐसे ऐसे चल रहा था, धीरे चल ना, धीरे चल, हाँ ऐसे चल रहा था और मेरा ऐसे चल रहा था और मेरा पैर ऐसे हो गया गाइस ऐसे, और ये शूज ऐसे करके निकल गया। मुझे बहुत गुस्सा आता है तेरे को, अगर मैं चैलेंज दूं भारती के इसमें तो कूद के बता। तू पैसे बता, कितने पैसे देगा? मैं अभी के अभी कूद जाऊंगी, बोल। 500 रुपए। 500 के लिए मैं मुंह ना धोऊं? हाँ भारती, भारती क्या हुआ बता यार। मुझे धोखे से ये वाली फिश खिला दी, किस का क्या की? गोरा मारी, इसे काला मारी, गोरा मारी नहीं, ये भी ये काला मारी, इस गोरा मारी को खिला दी धोखे से। धोखे से नहीं खाती भारती, तू पिछले 5-7 साल से ये मच्छी खा रही है। तो मुझे कच्ची वाली क्यों नहीं दिखाई? सो मैंने वादा किया था कि जैसे ही हम मार्क्यूस से आ जाएंगे जहाँ मेरी शादी हुई थी, मैं यहाँ पे सबके लिए कुछ बनाऊंगी। सो मेरे आते ही तैयारी करके रखी है, हमको एप्रन पहना दिया और ये क्या कहते हैं इसको, कितनी देर मैंने इनको पूछा, मैंने इनको पूछा कि क्या कहते हैं इसको, ये होटल वाले होके करते शेफ टोपी, इतना टाइम लगाया भैया। और हर्ष के कपड़ों से ऐसे लग रहा है कि जैसे इसने नीचे से शॉर्ट्स पहना ही नहीं है। oh, no. ये दुपट्टा थोड़ा दिख रहा है। ओ सॉरी, तू है? ओके, कोई जाना नहीं काम से, ठीक है। यस हर्ष पहुंच चुके हैं। यस हर्ष पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे मैं इनको बोलना चाहता हूँ कि गर्मी में कोई खाना कैसे बना सकता है, अब वो काम ना करें। और अभी हम बनाएंगे इनके लिए कमाल की फिश। उससे पहले हम गाना बोलेंगे दोनों। कौन सा? आई थिंक सबसे पहले पॉम्पलेट बनाते हैं। पॉम्पलेट बनाते हैं। ओके, तो देखिए इसको स्वाद अनुसार। मेरे को डर लग रहा है, और ये होटल वालों ने पीछे शेफ खड़े किए कि गलत गेट अरे ऐसा हो जाए, ऐसे मारेगा तुमने कोई। पंजाबी है, घी और तेल में हाथ बिल्कुल भी हमारा टाइट नहीं होना चाहिए। सर लेमन निचोड़िए, सर लेमन निचोड़िए। अरे देखो किसको कह दिया, जो घर में एक पानी का गिलास ना उठाए। काश मैं शादी एक शेफ से करती जो मैं घर आती और खाना रेडी होता। अब हम इसको 4 दिन बाद खोलेंगे, देखेंगे क्या बना होगा, आपके सामने सर्व करते हैं। नहीं नहीं नहीं, तब तक हम आपको दिखाते हैं कि हमने बारबेक्यू में क्या बनाया। मैं एक बात बता दूं, जो भी आदमी कोयले के ऊपर खाना बनाता है, बारबेक्यू करता है, उसको सलाम है, क्योंकि ये मैं लाइफ में पहली बार कोयले के इतने पास आई हूं, असहनीय है। क्या बोलते हैं, इनबेरेबल। कौन सा बेरेबल? 2-1 GO। पंजाब में ऐसे करते की लड़ा मुठी कुलचा, ये सिर्फ अमृतसर पंजाब वाले समझेंगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। एक मिनट भाजी, एक मिनट कितों आए जे चढ़े, तो उतनी घर वाले पहले आओ, लो जी लो।
सो हम आ गए फाइनली ऊपर और ये मेरा फेवरेट रूम है मेरा और हर्ष का। शादी पे भी हमें यही रूम मिला था, मुझे हर्ष को साथ वाला मिला था, बट शादी के बाद जब मैं हर्ष की पत्नी बन गई लिम्बाचिया हो गई तो फिर मैं ये रूम में आ गई। माइंड ब्लोइंग रूम है, इस होटल का सबसे बेस्ट रूम है, पूरा इसका हॉल है और ये है। ये सोफा कम बेड है। सो इस रूम की खासियत ये है कि बड़ा कोजी, बड़ा घर जैसा है। अगर तुम दोनों ने ये मेरे बतख खराब किए, इस बेड पे हमारी सुहागरात हो। नहीं, मैं सो गई थी, ये भी नीचे था, ये आया ही नहीं। हमारे बतख तोड़ रहा बतख। और बाहर बाहर उफ उफ उफ। सो ये है यहाँ का बाथटब जो ओपन में है, तो आज इस पे बैठना बनता है या नहीं देखते हैं। और ये हमारे लिए बेड बिछाए उन्होंने। और ये है, क्या बात है यार, कितना अच्छा लग रहा है। सो बहुत अच्छा लग रहा है यार, मुझे ऐसे लग रहा कि मेरी यादों में और भी लोग शामिल होने चाहिए थे, लेकिन आप मेरी बहुत बड़ी और बहुत प्यारी YouTube फैमिली हो। सो बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें शेयर करके जो 5 साल पहले हुई थी। बस थैंक यू सो मच पूरा ब्लॉग देखने के लिए, और हाँ कल के ब्लॉग को इतना सारा प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। और बस कल के ब्लॉग में फिर से मिलते हैं, सारी यादें ताज़ा हो गई, बस सुहागरात की याद ताज़ा। सर गंदा पाई है ना ये, गंदा पाई। पाई क्या होता है? गंदा पाई मतलब गंदा आदमी। और ये है हमारा छोटा भाई। छोटे भाई, छोटे भाई।